बिलाईगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि खेमराज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी रवि ने 1 लाख रुपए के बदले 15 लाख रुपए देने की बात की थी। शिकायतकर्ता ने 1 लाख रुपए आरोपी को दिए थे, लेकिन आरोपी रुपये लेकर फरार हो गया, अपना मोबाइल बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया है। कल कोशी थाना क्षेत्र के रहने वाले खेमराज निराला नाम के व्यक्ति ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि इसका 10 दिन पूर्व पीलाराम नाम के व्यक्ति से गिदौरी क्षेत्र से मुलाकात हुआ था। झाड़फूँक के सिलसिले में उसके पास गया हुआ था। उन्होंने इसको बताया कि कोई एक लड़का रवि जाटवर नाम का है, अमलडीहा का रहने वाला है, वो 1 लाख रुपये का 15 लाख रुपये देता है, नोट देगा, वो मार्केट में चलता भी है और कहीं भी बैंक में भी जमा कर सकते हो, ऐसे करके उनको झांसे में लिया और 2-3 नोट भी दिया मार्केट में चलाने के लिए। तो उनके भरोसे में आ गया, फिर उनसे 1 लाख रुपये जमा करवाया और जमा करवाने के बाद कल उसको नोट देने का वादा हुआ था, फिर वो नोट देने नहीं आया और 1 लाख रुपये उनको ठगी का एहसास हुआ। फिर उनकी रिपोर्ट पर 420 का भादावी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान दो आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें ये राहुल जाटवर पीताम्बर पंकज, ये दोनों व्यक्ति को पकड़ा गया है। दोनों के पास से नोट केमिकल नोट को केमिकल डाल के उसको असली रूप में लोगों को दिखाने के लिए जो डालने वाला केमिकल और उस जो काला किया हुआ नोट और पेपर कटिंग जो नोट के साइज का, और इनके पास से कटर बरामद किया गया है। इनको धारा 420 और धारा 489 घ कूटरचित करेंसी बनाने के उपकरण के साधन उपयोग करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। दो आरोपी इसमें फरार है, इनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।